हाँ जी बच्चों, हमने ये देखा था कि अगर हमारे पास एक सिंपल वायर है लाइक दिस स्ट्रेट वायर, और इसको हम ऐसे किसी वेलोसिटी से मूव करवाते हैं इनसाइड द रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे हर जगह मैग्नेटिक फील्ड लगी हुई है, तो इस वायर में करंट जनरेट होता है आई करंट, और उस आई करंट के कारण हम इस वायर को जब मूव करवाएंगे इस पे लगती है फोर्स। आई करंट के कारण इस पे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगती है, एंड दैट फोर्स इज बी टाइम्स आई टाइम्स एल, वेयर एल इज द लेंथ ऑफ दिस वायर। ठीक है, ये फोर्स लगती है, मतलब इसको कॉन्स्टेंट वेलोसिटी पे मूव करवाने के लिए आपको भी इस डायरेक्शन में एक मैकेनिकल फोर्स लगानी पड़ती है। जितना वर्क आप करते हो फोर्स इंटू डिस्टेंस, वही वर्क जो है वो एनर्जी बन जाती है, और वो एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यहाँ पर हमारे पास एक सिंगल वायर थी और उसमें करंट जनरेट हो रहा था ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब इसकी जगह, अगर हमारे पास सिंगल वायर की जगह अगर एक बल्क पीस ऑफ मेटल हो, बल्क पीस ऑफ मेटल लाइक दिस, एक शीट है, एक मेटल का लेमिना है, ठीक है, रेक्टेंगुलर लेमिना, इसको भी वेलोसिटी वी से हम मूव करवा रहे हैं इन दिस डायरेक्शन। मान लो इस रीजन में ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लगी हुई है। अभी ये जो है इट इज नॉट ए वायर फ्रेम, इट इज ए बल्क मेटल पीस। ठीक है, कैसा है ये बल्क मेटल? बल्क समझते हैं ना, मतलब कि शीट है, लेमिना है, क्यूब है, कुछ इस तरह के मेटल के पीसेस हैं, डिस्क हो सकती है। तो बल्क मेटल पीस अगर मेरे पास है, लाइक एग्जांपल्स, शीट हो सकती है, डिस्क हो सकती है, क्यूब हो सकता है, ठीक है, सिलेंडर हो सकता है, इस तरह के अगर बल्क पीसेस ऑफ मेटल हैं, तो उसमें क्या होता है फिर, उसमें भी एडी करंट, उसमें भी करंट जनरेट होते हैं, और उसमें करंट जो है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में जनरेट होते हैं। ऐसा क्यों होता है? देखो, आप ऐसे समझ सकते हो कि ये जो एक बल्क पीस ऑफ मेटल है, इट इज़ कंपोज्ड ऑफ सो मेनी थिन वायर्स, है ना। एक ये वायर ले ली, एक ये वायर ले ली, एक ये वायर ले ली, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स थे जिन पे मैग्नेटिक फोर्स लग रही थी, जिनकी वजह से ये करंट आया था। अब यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन्स तो हैं ही हैं, छोटे छोटे नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स, एंड वेन दिस पीस इज मूविंग विद सम वेलोसिटी वी, तो उसका मतलब है ये इलेक्ट्रॉन्स भी मोशन में हैं इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स तो लगेगी, मैग्नेटिक फोर्स तो लगेगी। कौन सी फोर्स होती थी वो मैग्नेटिक फोर्स? वो होती थी क्यू वी क्रॉस बी, है ना, मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन है तो माइनस ई आ जाएगा उस पर चार्ज, वी वेलोसिटी हो जाएगी जिस वेलोसिटी आप मूव करवाओगे इसको, इनटू या क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड। तो दिस इज द फोर्स एक्टिंग ऑन दीज इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन्स जो है इन पे फोर्स जो है, अभी इस पर्टिकुलर केस में फोर्स इलेक्ट्रॉन्स पे नीचे के डायरेक्शन पे लगेगी लाइक दिस। अब उनके पास बहुत सारा ओपन पाथ है, ये सारा ही कंडक्टर है ना, कंडक्टर की रेजिस्टेंस वैसे ही बहुत कम होती है, दे आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, एंड दे आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो इन पे फोर्स भी लग रही है और वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे कम इन मोशन। अब मोशन के कारण उनको जो सबसे छोटे से छोटा पाथ मिलता है जिसपे वो मूव कर सकते हैं, वो वहां पे मूव करते हैं, क्योंकि अभी उनको ये नहीं है कि एक लेंथ में एक वायर के अलोंग ही कन्फाइंड होके चलना है, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो बल्क पीस ऑफ मेटल है, दे कैन मूव एनी वेयर। तो क्या होता है कि इस बल्क पीस ऑफ मेटल में इन इलेक्ट्रॉन्स के मोशन के कारण छोटे छोटे एरियाज में इस तरह से करंट जो हैं जनरेट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ एडीज। एडीज क्या होता है? पानी में जब हम स्वर्ल्स प्रोड्यूस करते हैं, पानी घूम रहा है, दोज आर कॉल्ड एडीज, इसलिए नाम है एडी करंट। तो इलेक्ट्रॉन्स के मोशन के कारण कब कब व्हेन द मैग्नेटिक फ्लक्स अराउंड ए बल्क पीस ऑफ मेटल, बल्क पीस ऑफ मेटल चेंजेस, ठीक है, चेंज होगा, देन एडी करंट्स आर प्रोड्यूस्ड, एडी करंट्स आर प्रोड्यूस, ठीक है जी। तो ये होते हैं एडी करंट्स। अब उनके इफेक्ट्स भी होंगे, अगर ये एडी करंट्स हैं तो उनके कुछ ना कुछ इफेक्ट्स भी होंगे। तो उनके दो मेजर इफेक्ट हैं जो हर करंट के होते हैं, एक तो है यहाँ पर हीटिंग इफेक्ट, ठीक है, जाउल्स हीटिंग इफेक्ट हमने पढ़ा हुआ है, तो इनका हीटिंग इफेक्ट है, तो इसके कारण दे कैन बी यूज टू हीट अप ए बॉडी, ये एप्लीकेशन होगी टू हीट अप ए बॉडी। अब क्या क्या आएगा इसमें? देखो, एक हमारे पास इसकी जो एक एप्लीकेशन है दैट इज इंडक्शन, आजकल चलता है ये,
पहले हम इंडक्शन फर्नेस लिखते थे, लेकिन आजकल जो ज्यादा कॉमन है, जो हम आम अपने घरों में भी देख सकते हैं, इंडक्शन कुकर, जिसमें एक फ्लैट सा सरफेस होता है ऐसे, उसके ऊपर से प्लेटफॉर्म सा बना होता है, उसके ऊपर आप पैन रखते हो, इस तरह से आप चाय का पैन रखते हो उसके ऊपर, ऐसे चाय का पैन रखा, उसमें दूध डाला, चाय डाली और ये सब कुछ डाला, तो चाय नहीं बनेगी क्योंकि इसको इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ेगी। जब आप इसको इलेक्ट्रिसिटी दे देते हो तो वहां से फिर क्या होता है, इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, मैग्नेटिक फील्ड। इस रीजन में ना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, तो उस मैग्नेटिक फील्ड के जनरेट होने से मैग्नेटिक फ्लक्स आ जाता है, और ड्यू टू ऑल्टरनेटिंग करंट, क्योंकि ये एसी है, ये मैग्नेटिक फील्ड जो है, इट इज ए टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण यहाँ पर एडी करंट जनरेट होते हैं एंड दे हीट अप दिस पैन। एडी करंट के कारण पैन हीट होता है और चाय बन जाती है, ठीक है। तो एक तो इसकी एप्लीकेशन हीटिंग इफेक्ट की, इंडक्शन कुकर हो गया, दूसरा इंडक्शन फर्नेस हो गई, सेम ही कॉन्सेप्ट है। इंडक्शन फर्नेस, फर्नेस क्या होती है, फर्नेस एक इस तरह इतनी बड़ी भट्टी होती है जहां पर आप बड़े बड़े मेटल के पीसेस को पिघला सकते हो, मेल्ट कर सकते हो। तो वो इंडक्शन फर्नेस में भी जो कॉन्सेप्ट है वो एडी करंट्स का ही चलता है। कैसे, एक बल्क पीस ले लिया जाता है, बड़ा सा मेटल का पीस है, आप उसको पिघलाना चाहते हो, बल्क नहीं है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास इस तरह से रॉ फॉर्म में मेटल के कुछ पीसेस है, ऐसे रॉ है सारा ना, रॉ मटेरियल, तो आप क्या करना चाहते हो, इन मेटल के पीसेस को मेल्ट करना चाहते हो। तो हम क्या करते हैं, इसको इस तरह के रीजन में रखते हैं जहां पर स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड हो, ये साउथ पोल बन गया, ये नॉर्थ पोल बन गया, एंड देयर इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट से क्या होगा, जब यहाँ पर इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड हम देंगे, इलेक्ट्रिसिटी देंगे, मैग्नेटिक फील्ड आएगी, मैग्नेटिक फील्ड वेरी करेगी टाइम के साथ, और इनमें एडी करंट जनरेट होंगे, और एडी करंट जाउल्स हीटिंग के कारण I²RT है हमारे पास फॉर्मूला, तो इसके अकॉर्डिंग एडी करंट्स ने हीट तो जनरेट करनी ही करनी है। तो उस हीट के जनरेट होने से ये मेटल के जो पीसेस हैं वो मेल्ट हो जाते हैं। नाउ व्हाट इज द सेकेंड इफेक्ट ऑफ एडी करंट, जो दूसरा इफेक्ट है दैट इज ऑपोजिशन ऑफ मोशन, ऑपोजिशन ऑफ रिलेटिव मोशन और ब्रेकिंग इफेक्ट, ब्रेक लगाते हैं ब्रेक। इनकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, इस इफेक्ट की बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। पहले तो बात करते हैं कि ये ब्रेकिंग इफेक्ट कैसे आया। देखो हमने लेंस लॉ पढ़ा हुआ है ना, तो लेंस लॉ यही बताता है कि इस वायर को जब हम इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवाएंगे, यहाँ पर क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड लगी हुई है, उसमें मूव करवाएंगे तो करंट की ये डायरेक्शन आएगी राइट हैंड पाम रूल के अकॉर्डिंग, और इस करंट के कारण इस पर एक और फोर्स लगेगी। एक तो हम फोर्स लगा रहे हैं इसको स्टार्ट करवाने के लिए, मैंने फोर्स लगाई, दिस इज अप्लाइड फोर्स, मैकेनिकल फोर्स, और इस करंट के कारण ड्यू टू इन मैग्नेटिक फील्ड देयर विल बी ए मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर। तो वो जो फोर्स होगी दैट इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन, दिस इज एफ मैग्नेटिक विच इज BIL। तो एक सिंगल वायर के लिए अपोजिंग इफेक्ट है यहाँ पे, है ना, ये फोर्स इस मोशन को अपोज कर रही है। आप जितना इसको ज्यादा स्पीड से मूव करवाएंगे उतना ज्यादा करंट जनरेट होगा और ये फोर्स इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी, है ना, सिंपल सी बात है। तो इसका मतलब है देयर इज ऑपोजिंग इफेक्ट इन EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन विच इज ड्यू टू लेंस लॉ। तो ये लेंस लॉ के कारण ऐसा होता है सिंगल वायर के साथ। अब सेम ही इफेक्ट हमारे पास एडी करंट्स में भी होगा। यहां पर अगर एक बल्क पीस है इस तरह से, आप इसको वेलोसिटी वी से मूव करवा रहे हो इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, हम मान लेते हैं इसका ये छोटा सा पोर्शन, ठीक है, आप इधर लेके जा रहे हो इसको, इस छोटे से पोर्शन में से जो करंट होगा वो इस डायरेक्शन में होगा मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के हिसाब से। अगर आप राइट हैंड पाम रूल लगाओगे तो इसमें जो करंट होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, और इस पार्ट पे जो फोर्स लगेगी मैग्नेटिक फोर्स वो इस डायरेक्शन में लगेगी। अब अगर इस एक स्ट्रिप पे फोर्स लग रही है तो पूरे पीस पे भी फोर्स लगेगी, मैग्नेटिक फोर्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो जब भी आप इसको मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में मूव करवाओगे देर इज ऑलवेज सम ऑपोजिंग फोर्स। अब देखो इसकी एप्लीकेशन क्या है, बहुत बड़ी एप्लीकेशन है इसकी, एप्लीकेशन है मैग्नेटिक ब्रेक्स, मैग्नेटिक ब्रेक्स, ठीक है। कैसे मैग्नेटिक ब्रेक्स, अगर हमारे पास एक डिस्क है, ठीक है, मान लो ये डिस्क है, यहां पर आपने मोटर लगा रखी है और डिस्क कैसे घूम रही है, मेटल की डिस्क है, इस मेटल की डिस्क को आप एक व्हीकल का या ट्रेन का चक्का भी बोल सकते हो, ट्रेन का आप इसको व्हील भी बोल सकते हो, ये मेटल का बना हुआ है, ठीक है।
अब हमें क्या करना है, ट्रेन चल रही है इस डायरेक्शन में, मोशन में है ट्रेन, ठीक है, वेलोसिटी वी से चल रही है और ऐसे घूम रहा है चक्का। आप चाहते हो ब्रेक लगानी है, तो बच्चे ब्रेक लगाने के लिए क्या किया जाता है, एक छोटे से पोर्शन पे, मान लो इतने से पोर्शन पे, यहाँ पर इसके सामने इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, मैग्नेटिक फील्ड को ऑन कर दिया जाता है। तो मैंने यहाँ पे क्रॉस लगा दिया है ना, इसका मतलब है यहाँ पर मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड को ऑन कर दिया। तो जैसे ही आपने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को ऑन किया, इतने पोर्शन में ऐसे घूमता जाएगा ना, अब इतने पोर्शन में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, ये इसमें से निकल के जाएगा मेटल, निकल के जाएगा मेटल का पीस ऐसे, तो उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने के कारण यहाँ पर ऑपोजिंग इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा, ब्रेकिंग इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे इसकी स्पीड जो है वो कम हो जाएगी, ये चक्का जो है वो स्लो डाउन हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए मैग्नेटिक ब्रेक्स जो हैं वो इसी कॉन्सेप्ट से बनी हुई हैं, एडी करंट्स के कॉन्सेप्ट से बनी हुई हैं। ऐसे ही ना हम इन चीज़ों को मोशन में भी लेके आ सकते हैं। मान लो आपके पास इस तरह से एक सिलेंड्रिकल कैन है, सिलेंड्रिकल कैन जिसमें आप कोका कोला वाला कैन होता है ना, जिसमें आप कॉक पीते हो, और उसको आपने ऐसे एक यहाँ पर एक होल किया, यहाँ पर एक होल किया और एक इसमें आपने एक्सिस बना के उस एक्सिस के अलोंग आपने एक एक्सिस डाल दिया, मतलब कोई पिन या कुछ आपने ऐसे उसको टिका दिया। अब यहाँ पर अगर आपके पास एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है नॉर्थ साउथ, इस स्ट्रॉन्ग मैग्नेट को आप जस्ट हिलाओ यहाँ पे, आपने इसको नहीं छेड़ना, इसको ऐसे रहने देना, इट इज फ्री टू रोटेट, और आपने स्ट्रॉन्ग मैग्नेट को यहाँ पर हिलाना है ऐसे इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में। जब आप इस तरह से मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करेंगे, यहाँ पर एडी करंट जनरेट होते हैं, इसके जो पोर्शन है जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड वेरी करेगी उस पोर्शन पे फोर्स लगेगी, जैसे यहाँ पे लगे रही है ना मैग्नेटिक फील्ड के अराउंड, तो उस फोर्स से के कारण ये वाला जो कैन है इट कम्स इन रोटेशन, ये रोटेशन में आ जाता है। इसके लिए आप यूट्यूब पे ये वीडियो सर्च कर सकते हो, आपने सर्च करना है एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशंस ऑफ एडी करंट, डेमोन्स्ट्रेशंस ऑफ एडी करंट ऐसे सर्च करना, तो यू विल सी कि भाई देखो कितने सारे मॉडल लोगों ने बनाए हुए हैं एडी करंट्स के लिए, ये भी आपको मिल जाएगा वहां पे ब्रेकिंग इफेक्ट। तो आप इंजॉय के लिए देख सकते हो ये सारी वीडियोस। सबसे इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन जो है एडी करंट्स की, जो आपके सिलेबस में आपसे पूछी जाएगी, वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। चीज़ वही है जो मैंने अभी आपसे बात करी है, डैम्पिंग ही हो रही है। डैम्पिंग का मतलब होता है मोशन को रोक देना, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक डैम्पिंग। डैम्पिंग का मतलब होता है कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है उसको स्लो डाउन करना, इज कॉल्ड डैम्पिंग। बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग पर्टिकुलरली किस केस में अभी हम बात करने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के केस में, ठीक है। हमने बात करी मूवी एमसीजी पढ़ा हुआ है, एमसीजी हमारे सिलेबस में है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग फॉर मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, तो जब हम उसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग करते हैं तो वो बन जाता है डेड बीट गैल्वेनोमीटर, डेड बीट गैल्वेनोमीटर। तो जो हमने पढ़ा है लास्ट चैप्टर में वो डेड बीट गैल्वेनोमीटर ही है। क्या होता है डेड बीट गैल्वेनोमीटर, देखो इसमें मैंने आपको बताया था कि हमारे पास ना एक सिलेंड्रिकल मेटेलिक कोर होती है, उस पे हम इस तरह से कॉयल बनाते हैं, रेक्टेंगुलर कॉयल बनाते हैं, उस रेक्टेंगुलर कॉयल को ऐसे मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में रखा जाता है ऐसे, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड, ये नॉर्थ पोल है और ऐसे इस तरफ साउथ पोल है मान लो, तो इस तरह से हम इसको मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में रखते हैं। और रेडियल मैग्नेटिक फील्ड होती है ये हमने पढ़ा था, ऊपर से इस तरह से स्ट्रिप लगी होती है, फॉस्फर ब्रॉन्ज मिरर होता है, नीचे हमारे पास स्प्रिंग लगा होता है, यहाँ पर भी फिक्स होता है, और दो वायर्स होती है जिससे हम ऐसे करंट भेजते हैं बच्चों। तो क्या होता है कि जो इसके साथ नीडल लगी होती है जिससे हम वो रीडिंग लेते हैं गैल्वेनोमीटर से, वो निडल ने घूमना है। एक्चुअली इस पे टॉर्क लगता है जब हम करंट भेजते हैं, करंट जैसे ही गया सर्किट में टॉर्क लगता है, टॉर्क से डिफ्लेक्शन होती है और निडल जो है इसको फ्रंट से देखें तो निडल ऐसे घूम के किसी जगह पे जाती है। अब आप क्या चाहते हैं, निडल यहाँ पे जब रुकी तो तब हमारे पास कंडीशन क्या थी, कंडीशन थी कि जो भी इस पे टॉर्क लगा NBAI, ये टॉर्क था मैग्नेटिक मोमेंट इंटू मैग्नेटिक फील्ड, एन इज नंबर ऑफ टर्न्स, दिस इज मैग्नेटिक मोमेंट, आई इंटू ए, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज नंबर ऑफ टर्न, दिस टॉर्क इज इक्वल टू के टाइम्स डिफ्लेक्शन थीटा। तो जब ये बराबर हो जाता है वहां जाके ये निडल रुक जाती है ना। तो हम ये चाहते हैं कि निडल एक जगह पे जाके स्टेशनरी हो जाए, ऐसे वहां जाके ये मूव ना करती रहे।
अगर ये यहाँ जाके इस तरह से डिफ्लेक्ट करती रहे, क्योंकि हो सकता है करती जाए डिफ्लेक्ट, ऊपर स्प्रिंग लगा हुआ है, नीचे स्प्रिंग लगा हुआ है, ऊपर ये है, तो वहां पर वो रीस्टोरिंग फोर्स जनरेट होगी और हो सकता है निडल यहाँ पे जाके ऐसे मूव करती रहे। और सिंपल गैल्वेनोमीटर में ऐसा होता है, निडल जैसे किसी एंगल थीटा पे डिफ्लेक्ट हुई और वहीं पे ऐसे ना हिलती रहती है, इसको डेड बीट नहीं बोलते। डेड बीट किसको बोलते हैं कि निडल ऐसे घूमी वहां जाके रुक गई, स्टेशनरी हो गई, दैट इज कॉल्ड डेड बीट गैल्वेनोमीटर। और एडी करंट हमारी इसमें हेल्प करते हैं। कैसे हेल्प करते हैं? हमने जो कॉयल बनाई है उस कॉयल को हमने एक मेटेलिक मेटल पीस है हमारे पास, कैसा पीस है, बल्क मेटल का पीस है, शेप उसकी सिलेंड्रिकल है, उस पे वाउंड किया हुआ है कॉयल को। इसीलिए वाउंड किया है क्योंकि जब ये इसमें घूमे, ये वाला जो बल्क पीस ऑफ मेटल है, जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये रोटेट करे, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, यहाँ पर इस तरह से रेडियल मैग्नेटिक फील्ड होती है, इस तरह से है ना, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड होती है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो जब ये मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में घूम रहा है ये वाला, इसमें एडी करंट्स जनरेट होते हैं। तो एडी करंट्स क्या करते हैं, एडी करंट्स मोशन को अपोज करते हैं। तो जब यहाँ पर ये पहुंचती है और स्प्रिंग उसको वापस लेके आने की कोशिश करता है, तो एडी करंट मोशन को अपोज करते हैं, तो वो वहां जाके नीडल जो है स्टेशनरी हो जाती है एक ही पॉइंट पे जाके। तो दिस इज कॉल्ड डेड बीट गैल्वेनोमीटर। और डेड बीट गैल्वेनोमीटर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग का रोल है, उसमें एडी करंट्स जनरेट होते हैं इस कोर के अंदर, और एडी करंट्स के कारण जो हमारी नीडल है या जो आप बोल लो क्वाइल है, उसकी ऑसिलेशंस को मिनिमाइज किया जाता है। तो आई विल राइट हेयर द ऑसिलेशंस ऑफ क्वाइल आर मिनिमाइज्ड बाय एडी करंट्स। ठीक है, यही होता है डेड बीट गैल्वेनोमीटर। तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो हैं, इन पे क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक और एप्लीकेशन है इंपॉर्टेंट, दिस वाज थर्ड, दैट इज इंडक्शन मोटर। इंडक्शन वर्ड जहां पर भी आएगा ना, इंडक्शन फर्नेस, इंडक्शन कुकर, इंडक्शन मोटर, इंडक्शन का मतलब है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो जैसे मैंने अभी आपको कैन वाली एग्जांपल दी कि एडी करंट्स की हेल्प से हम मोशन को प्रोड्यूस भी कर सकते हैं, जैसे यहां पे बताया मैंने, है ना। अब मान लो इस कैन के अराउंड हमने कुछ इस तरह की मैग्नेटिक फील्ड रखी, हमने कुछ इस तरह से नॉर्थ साउथ अलग अलग डायरेक्शन में बना दिए, और ये सब मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कुछ इस तरह से यहाँ पर वेरी कर रही हैं कि इस पे जो टॉर्क है वो हमेशा लगता जाए, जैसे घूमने लग जाए ये कैन, है ना। वो हम उस मैग्नेटिक फील्ड की जो पैटर्न है उसको हम खुद से कंट्रोल कर सकते हैं कि करंट से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होनी है, करंट किस तरह से फ्लो करेगा, वो हम कॉयल की शेप जो यहाँ पर कॉयल बनाएंगे, जैसे मान लो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, ये वाला इलेक्ट्रोमैग्नेट है हमारे पास, इसको हमने करंट दे दिया, और इसके सामने यहाँ पर ऐसे कैन, जैसे मैंने बोला एक मेटल का पीस है या मेटल की डिस्क है, उसको हमने ऐसे रख दिया। अब मैं यहाँ इसको वेरी करता जा रहा हूँ, तो एडी करंट फ्लक्स आएगा ना, तो इस पर फोर्स लगेगी। इस केस में तो ये इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, रोटेशन नहीं होगी। लेकिन ये हमारे हाथों में है कि हमने कैसी कॉयल बनाई है, कॉयल के अरेंजमेंट्स पे डिपेंड करेगा कि हम यहाँ पर टॉर्क जनरेट कर पाए, तो वो इंडक्शन मोटर बन जाएगी। इंडक्शन मोटर में यही होता है कि कॉयल, उसके अराउंड एक मेटल का बड़ा सा पीस होता है, गोल मेटल का पीस होता है, उस गोल मेटल के पीस के अंदर ना इस तरह से एक रोटर होता है, ये इस तरह से ना एक रोटर होता है लाइक दिस। अब उस रोटर पे ना कॉयल जो है, यहाँ पर इस तरह की कॉयल बनी होती है, मैंने तो देखा हुआ है, इस तरह की कॉयल यहाँ पर बनी होती है वायर की, और ऑल्टरनेटिंग करंट अप्लाई कर देते हैं। करंट के वेरी करने से मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी करता है, और यहाँ पर एक बाहर ऐसा ही एक सिलेंड्रिकल शेप का एक पीस होता है, होल होता है, खोखला सा होता है, ऐसे वो समझते हो ना, ऐसे होलो पीस होता है सिलेंड्रिकल, जो उसको ऐसे सराउंड करता है लाइक दिस, और यहाँ पर ब्लेड्स लगे होते हैं ऐसे, मुझे लगता है शायद आपने ये चीज देखी हुई है,
इस तरह से ब्लेड लगे होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि इस बाहर वाले जो पीस है जिसको जिसने उस रोटर को सराउंड किया हुआ है वो घूमने लग जाता है, तो इसको फैन बोलते हैं, आपने देखा हुआ है। ये इंडक्शन मोटर ही है, यहाँ पर एडी करंट्स ही हमारी हेल्प करते हैं। तो इंडक्शन मोटर में एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होती है विच प्रोड्यूसेस द स्ट्रॉन्ग एडी करंट्स, और उसके साथ वो जो रोटर है वो घूमना शुरू हो जाता है, ठीक है। कुछ और एप्लीकेशंस भी हैं, उसमें ज़्यादा डिटेल में जाना नहीं है हमें। एक है डायाथर्मी, डायाथर्मी जो है दैट इज द हीट ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी। उसमें एक बेड बना दिया जाता है, उस बेड में भी एडी करंट्स की हेल्प से हीट को जनरेट करते हैं और उस पे थेरेपीज होती हैं, कुछ मसल पुलिंग हो गई है या कुछ कहीं पर पेन्स हैं, जॉइंट पेन्स हैं, तो वो सब कुछ ट्रीट किया जाता है। एडी करंट्स ही वहाँ पर हेल्प करते हैं। हीट प्रोड्यूस होती है, मतलब एक मेजर इफेक्ट हीट है और दूसरा मेजर इफेक्ट यहाँ पर मोशन है। मोशन प्रोड्यूस भी कर सकते हैं, मोशन को अपोज भी कर सकते हैं। और सिक्स एप्लीकेशन है स्पीडोमीटर्स। ये जो हमारे स्पीडोमीटर होते हैं ना व्हीकल्स में लगे हुए, जो आपकी स्पीड बताते हैं, उसमें भी एडी करंट्स का ही कॉन्सेप्ट है। और एक जो पुराने वाले इलेक्ट्रिसिटी मीटर्स होते थे उसमें भी, इलेक्ट्रिक पावर मीटर्स जो होते थे उसमें भी एडी करंट्स ही हमारी हेल्प करते थे। आजकल नहीं, आजकल डिजिटल आ गए हैं, अभी पहले आते थे ये। उसमें भी एक डिस्क होती थी, वो डिस्क घूमती रहती थी और वहाँ से पता चलता था कि कितनी यूनिट्स जो हैं कंज्यूम हो गई हैं। तो ये कुछ एप्लीकेशंस एडी करंट्स की अभी आपने समझ ली हुई है, ठीक है। हाँ जी बच्चों, तो ये अभी दो एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन हम देखने वाले हैं। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। सीबीएसई में आ सकता है क्वेश्चन कि भाई ये वाला इफेक्ट क्यों हो रहा है। तो दो चीज़ों का ध्यान रखना है, अगर मोशन अपोज हो और वहाँ पर कुछ मैग्नेट्स पड़े हों तो एडी करंट्स, मोशन जनरेट हो कुछ मैग्नेट्स इलेक्ट्रोमैग्नेट बना हो तो एडी करंट्स, हीट जनरेट हो मेल्टिंग हो तो एडी करंट्स। ये दो तीन इफेक्ट्स हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो जैसे इस फर्स्ट केस में क्या है, हमने यहाँ पर ऑल्टरनेटिंग करंट का सोर्स लगाया, यहाँ पर एक स्विच है, ऑल्टरनेटिंग का लगा लो चाहे दूसरा लगा लो, लेट अस सपोज चलो बैटरी लगा दी हमने ऐसे, और यहाँ पर एक स्विच है, ठीक है। फर्स्ट केस में एक बैटरी लगाई हुई है और एक स्विच है, और यहाँ पर एक मेटल का सिलेंडर है। इस मेटल के सिलेंडर के ऊपर यहाँ पर एक डिस्क पड़ी हुई है, छोटी सी डिस्क ग्रीन कलर की, या कॉइन कह सकते हो आप, कॉइन पड़ा हुआ है, ठीक है, ऐसे ऊपर। अब जैसे ही हम इस की को प्रेस करेंगे तो क्या होगा, इस कॉइन के साथ क्या होगा, ये हमें देखना है। इस केस में ये मेटल का पीस है, ये आसान है, ये मेटल का पीस जो है इस तरह से ऑसिलेट कर रहा था। जैसे ही मैं इसके पास साउथ पोल और इधर से नॉर्थ पोल लेके चला गया मैग्नेट का, ऐसे मैंने दोनों पोल दो मैग्नेट लिए उसके पास लेके चला गया, तो क्या होगा, इसमें मोशन अपोज होगा क्योंकि एडी करंट जनरेट होंगे और धीरे 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 इसका जो मोशन है दैट विल बी सीज्ड, मोशन सीज हो जाएगा, मतलब ये रेस्ट पे आ जाएगा, ठीक है। तो पहले तो ये स्लो डाउन होगा, इसकी ऑसिलेशन स्लो डाउन होंगी, इसको बोलते हैं डैम्प हो जाएंगी, डैम्पिंग बोलते हैं इसको। डैम्पिंग का मतलब यही होता है ऑसिलेशन का रुक जाना या धीरे धीरे कम हो जाना, दैट इज कॉल्ड डैम्पिंग। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग हो जाएगी, और ये मेटल की जो शीट है इट विल स्टॉप्ड आफ्टर सम टाइम। यहाँ क्लियर है, यहाँ क्या होगा, यहाँ जैसे ही आप इस की को ऑन करोगे ये जो डिस्क है या जो कॉइन है ये जंप करेगा, जंप करेगा, ठीक है। अब इसको एक्सप्लेन करना है ये जंपिंग क्यों हुई है, तो बहुत आसान है। अभी यहाँ पर जीरो करंट है, आपने इसको ऑन किया, सर्किट में करंट आ गया, उसके अकॉर्डिंग मान लो ये जो ऊपर वाला सिलेंडर का हिस्सा है ऑरेंज सिलेंडर का, वो नॉर्थ पोल बन गया और ये बन गया साउथ पोल। कुछ भी बन सकता है, ऊपर वाला साउथ बन सकता है, नीचे वाला नॉर्थ बन सकता है, वो तो करंट की डायरेक्शन या बैटरी की पोलैरिटी पे डिपेंड करता है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने मान लिया ऊपर वाला नॉर्थ बन गया, अब उस नॉर्थ के कारण यहां पर मैग्नेटिक फील्ड आ गई ना, जो इस रीजन में ऐसे लगी होगी, नॉर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ होती है, वो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो इस कॉइन के अराउंड भी चेंज हुआ है, क्योंकि पहले तो था ही नहीं मैग्नेटिक फ्लक्स, पहले तो मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं थी, करंट भी नहीं था, जीरो था सब कुछ, लेकिन अचानक से आ गई मैग्नेटिक फील्ड, उसके कारण यहाँ पर भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ है, तो इसमें एडी करंट्स आ जाने हैं। अब लेंस लॉ क्या बोलता है, लेंस लॉ बोलता है कि एडी करंट्स कुछ इस तरह से आएंगे कि उनकी डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगी कि उसका जो नीचे वाला हिस्सा है कॉइन का, अगर मैं इस कॉइन को यहाँ पर दोबारा से बनाऊँ तो जो नीचे वाला पार्ट है उसकी पोलैरिटी इस पोलैरिटी के साथ मैच करेगी, मतलब वो भी नॉर्थ बनेगा, और ये नीचे वाला तो नॉर्थ था ही, ठीक है जी। तो जब दोनों नॉर्थ नॉर्थ बनेंगे, रिपेल होगा, तो ये ऊपर वाला कॉइन जंप करेगा। तो लेंस लॉ के अकॉर्डिंग यही होता है ना, जब हम इस तरह से एक कॉइल लेते थे सिंगल वायर,
एक लूप लेते थे और यहाँ पर हम नॉर्थ पोल को इसकी तरफ लेके आते थे, तो यहाँ अपोज करने के लिए नॉर्थ पोल ही बनता था। सेम ही चीज़ है, डिस्क का नीचे वाला हिस्सा जो होगा वो नॉर्थ बन जाएगा, मतलब सेम पोलैरिटी का होगा और वहां पर रिपल्शन होगी। तो ये दो एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन है, एक वो भी है जो मैंने अभी आपको बताई कि एक कैन के अंदर आप रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एडी करंट्स। ठीक है, देखो इफेक्ट्स तो वही है एडी करंट्स के, हीटिंग और मोशन को अपोज करना, बट किसी किसी सिचुएशन में हमें चाहिए ये चीज़ें और कहीं कहीं हम उसको अवॉइड करते हैं। तो कौन कौन सी सिचुएशंस हैं, एक मैंने आपको बता दिया, जनरेशन ऑफ हीट इन द अप्लाइंसेस, फॉर एग्जाम्पल ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में एडी करंट्स ने आना ही आना है क्योंकि वहां पर मेटल की कोर भी है, वहां पर कॉइल भी है, वहां पर चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स भी है, तो ट्रांसफार्मर में एडी करंट्स ने आना ही आना है। ठीक है, तो उस केस में ट्रांसफार्मर्स में जो हीटिंग इफेक्ट है उनको हम अवॉइड करते हैं। ठीक है, तो इन ट्रांसफार्मर्स और अदर इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस द हीटिंग इफेक्ट में ब्रेक द इंसुलेशन। इंसुलेशन क्या होती है, इंसुलेशन होती है जैसे वायर्स की बनी होती है ना कॉइल, तो हम ये चाहते हैं कि एक वायर दूसरी वायर से टच ना करे, इंसुलेशन हो उसमें। तो वो हीटिंग आएगी जब, तो वो इंसुलेशन ब्रेक हो जाएगी, तो फिर हम बोल देते हैं कि भाई वो डैमेज हो गया हमारा जो डिवाइस है, तो उसको इंसुलेशन को ब्रेक कर सकते हैं। दूसरा ये है कि भाई एडी करंट्स में, एडी करंट्स के कारण रिलेटिव मोशन जो होता है वो अपोज होता है, तो हो सकता है कुछ ऐसी मशीन हो जहां पर हम खुद से मोशन प्रोड्यूस करवा रहे हैं और वहां पे मोशन चाहिए और एडी करंट्स भी हैं, तो एडी करंट्स ने मोशन को अपोज करना है, तो उस वजह से एनर्जी जो है वो डिसिपेट होती है, तो दे अपोज रिलेटिव मोशन। विच मे बी अनडिजायरेबल इन सम पार्ट्स ऑफ मशीन। इन सम पार्ट्स ऑफ ए मशीन, ठीक है, तो ये दोनों अनडिजायरेबल इफेक्ट है। अब इसको अवॉइड कैसे करना है, हाउ टू मिनिमाइज द एडी करंट्स, लेट अस डिस्कस। ट्रांसफार्मर की एग्जांपल लेके मैं आपको बताऊंगा कि हम उसमें एडी करंट्स को मिनिमाइज कैसे करते हैं। जहां पे अनडिजायरेबल हैं देयर वी नीड टू मिनिमाइज देम। देखो बच्चों, अब मान लो कि आपके पास एक बल्क पीस है ना, उस बल्क पीस के अराउंड आपने कॉइल बनानी है। ये बल्क पीसेस जो हैं ये मोटर में हो सकते हैं, ट्रांसफार्मर में हो सकते हैं, डायनेमो होता है उसमें हो सकते हैं, उसके अराउंड आपने कॉइल बनानी है। किस तरह की शेप का होता है बल्क पीस ऑफ मेटल, लाइक दिस। आपको शेप ये चाहिए, मेटल की शेप चाहिए, इस तरह की शेप चाहिए, ठीक है, लाइक दिस। और यहां पर इस तरह से ना होल है, देर इज ए होल, देर इज अनदर होल, ये दो होल्स हैं। इस होल के अराउंड जो है ना ट्रांसफार्मर के केस में कॉइल जो है वाउंड की जाती है, लाइक दिस। ये वायर ऐसे घूमती है, घूम के ऐसे पीछे से आगे आती है, इस तरह से यहाँ टर्न्स बनी होती हैं, जैसे मैं बना रहा हूँ, बिल्कुल सेम इसी शेप का ट्रांसफार्मर होता है। और ऐसे ही ये वाला जो हिस्सा है मेटल का, उसमें भी इस तरह से वायर घूम के इस तरह से कॉइल बनी होती है, बड़ा सा सोलेनोइड। डिपेंड करता है कितना बड़ा ट्रांसफार्मर ले रहे हो आप, उतना बड़ा सोलेनोइड यहां बना होता है, तो यहां से तो वायर नजर आएंगी। ठीक है, तो इस तरह से वाउंडिंग की होती है, टर्न्स बनाई होती है उसके ऊपर। मोटर के केस में भी ऐसे ही होता है, इंडक्शन मोटर के केस में भी हमारे पास एक इस तरह से डिस्क टाइप शेप होती है, उस डिस्क टाइप शेप को, सिलेंडर होता है बेसिकली, यहां पर हमें कॉइल्स बनाई जाती है। यहां पर ऐसे छोटे छोटे होल्स होते हैं, लाइक दिस, ऐसे होल्स होते हैं, और इन होल्स में वायर्स को, ये वायर्स देख लो, इस तरह से टर्न्स बनाई जाती है।
ऊपर से ऐसे नजर आती है, ठीक है, और ऐसे घूम रही है अंदर से और नीचे से भी घूम रही है लाइक दिस ऐसे। अगर मैं आपको ट्रांसपेरेंट कर दूं इसको तो आपको ऐसे नजर आएंगी, ये इस तरह की कॉइल चारों तरफ बनी होती है। अब ये बल्क पीस है अगर, और ये भी बल्क है, तो बहुत सारे बहुत ज्यादा अमाउंट में एडी करंट जनरेट होने वाले हैं, उससे हीट जनरेट होगी और बहुत सारी एनर्जी हीट की फॉर्म में डिसिपेट होगी, हमें इसको अवॉइड करना है। तो क्या कर दिया जाता है, ये जो बड़ा सा पीस मैंने बनाया मेटल का, हमें शेप यही चाहिए। हम क्या करते हैं, हम इसकी पतली पतली ना थिन थिन और कम थिकनेस की इस तरह से स्ट्रिप्स जो हैं, देखो इस तरह से स्ट्रिप स्लाइसिंग कर लेते हैं, पतली पतली स्ट्रिप्स ले लेते हैं, शेप यही होती है, एक स्ट्रिप की शेप ऐसी होती है, एक स्ट्रिप की शेप इस तरह की होती है, ठीक है। ये एक स्ट्रिप है मेरे पास पतली सी थिन सी, ऐसी हम 50 या 100 स्ट्रिप्स लेके उनको आपस में जोड़ देते हैं, और ये सब के सब इंसुलेटेड होती हैं, मतलब इनके ऊपर एक लेयर होती है, लेयर ऑफ सम मटेरियल, प्लास्टिक मटेरियल, उसकी कुछ लेयर होती है, वैसे लिक्विड होता है, वो लिक्विड को उसके ऊपर डाल देते हैं, बाद में वो सूख जाता है और यहाँ लेयर्स बन जाती है इंसुलेशन की लेयर्स। तो इस तरह से स्लाइसिंग करके पतली पतली शीट्स काट के बाद में उन शीट्स को जोड़ दिया जाता है, और बल्क पीस भी बन जाता है। और लेकिन करंट्स के लिए बल्क नहीं रहता, क्योंकि करंट को तो पाथ नहीं मिलेगा, अभी इतने छोटे से पार्ट में करंट कैसे घूमेगा, तो करंट जो है मिनिमाइज हो जाता है। यहां पर भी ऐसे किया जाता है, ये जो एक डिस्क है इस तरह की, बड़ा सा सिलेंडर था ना ये, उसको भी इस तरह की पतली पतली स्ट्रिप्स ली जाती है डिस्क की फॉर्म में, उनको इंसुलेटेड करके आपस में जोड़ दिया जाता है, तो शेप हमारे पास वैसी ही बन जाती है, लेकिन उनमें कॉन्टैक्ट नहीं होता, इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट नहीं होता, कंडक्शन नहीं होती उनमें। तो अगर देर इज कंडक्शन नहीं होगी, कंडक्शन को मिनिमाइज कर दिया जाता है, तो एडी करंट भी मिनिमाइज हो जाते हैं, ठीक है जी। तो इस तरह से हम एडी करंट्स को मिनिमाइज करते हैं।